पूरी प्रॉपर क्लासेस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थ्योरी की, और सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करके, और लगातार पढ़ना पड़ेगा। मैंने पिछले वाले जनवरी वाले में ही बच्चों को कहा था कि सीटेट की तैयारी कभी एक या दो महीने में नहीं होती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक या दो महीने में हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। सीटेट के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 महीने लगातार बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना होगा, बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी थ्योरी की और एमसीक्यूज की, तब जाकर के आपका पेपर पास होगा। ठीक है भैया, तो आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा है, यह जो पॉलिटी की क्लास है, और पॉलिटी की क्लास है तो हम उसी तरीके से चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली क्लास है और कक्षा 6 की पॉलिटी से हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे। तो एक बात तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो लोग फ्री में ये सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो एनसीईआरटी आप अपने जो है मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या लैपटॉप से पढ़ लेते हैं। आपको बस एनसीईआरटी टाइप करना है। जैसे आप गूगल पे एनसीईआरटी टाइप करेंगे, पहले एनसीईआरटी की वेबसाइट खुल जाती है जिसमें टेक्स्ट बुक दे रखी है, मतलब पूरी किताबें दे रखी है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट क्लास। मान लेते हैं जैसे हम 6वीं से शुरुआत करेंगे तो 6वीं क्लास डाल दी, और 6वीं में क्या पढ़ना चाह रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, साइंस, उर्दू, हम पढ़ना चाह रहे हैं सोशल साइंस डाल दिया। उसके अलावा आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, बुक का टाइटल क्या है, जो बुक पढ़ना चाह रहे हो तो उस बुक का टाइटल है। जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, आवर अर्थ पढ़ना है, हमारे अतीत पढ़ने, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़नी है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ तो इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, उसी को हिंदी में कहेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, गो कर दो यहां से। तो जैसे गो कर दोगे पूरी किताब आ जाएगी, उसके सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो ये तो राह के दिया प्रॉपर तरीके से पढ़ना भी चाह रहे हैं तो। लेकिन हमने क्या कर लिया, इसके एक एक चैप्टर को डाउनलोड कर लिया और उस तरीके से एक एक चैप्टर के आधार पर चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो कक्षा 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और कक्षा 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम अगर हम लोग रखेंगे तो उसके पहले चैप्टर का नाम ही क्या हो जाएगा भैया, विविधता। तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम हो जाएगा विविधता, और प्रॉपर तरीके से हम लोग यहां पे चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो विविधता वाला चैप्टर है और मैं इसमें हाईलाइट करता जाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे देंगे ताकि आप चीजों को समझ सकेंगे। तो विविधता में पहले चैप्टर में लिखा गया, याद रखना भैया, यहां पे विविधता में पहले चैप्टर में यहां पे लिखा हुआ है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। लोग क्या होते हैं, तो लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। जैसे कि लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनके धर्म, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनका त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं, और ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। बहुत बढ़िया थ्योरी की क्लास होगी और हमारे पास पूरा टाइम है। ये क्लास जो है हमारी, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये क्लास आपके जुलाई 2024 वाले सीटेट के लिए शुरू कर रहा हूं। तो प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। तो इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि विविधता का अर्थ क्या होता है। तो विविधता का अर्थ क्या होता है, जहां बहुत सारी भिन्नताएं हो, अलग अलग तरीके से खान पान, रूप, रंग, सब चीज के आधार पर क्या होनी चाहिए, भिन्नता। जैसे यहां पर ये चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र दिए गए, याद रखना। पहला चित्र यहां पर एक बालक ने एनसीईआरटी में दिया, एक बालक ने एक ऐसा चित्र बनाया है, दूसरे बालक ने एक ऐसा ये चित्र बनाया है, और तीसरे बालक ने एक ऐसा ये चित्र यहां पर बनाया है, और चौथे चित्र के लिए यहां पर बॉक्स जो है खाली दे रखा है। अब चौथा चित्र के लिए, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। अब यहां पर एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल समझाया है कि जैसे एक बालक ने, 3 अलग अलग बालकों ने चित्र बनाए हैं, तो जैसे ये तीनों चित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तीनों चित्र क्या हैं, ये तीनों चित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और जब ये तीनों चित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तो ये क्या है, भिन्नता। लेकिन फिर भी इनमें समानता क्या है तो चित्र, मतलब चित्र हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो यानी विविधता क्या है कि जहां भी रूप, रंग और आकार में, खान पान में, धर्म के आधार पर विभिन्नताएं भी हो,
लेकिन विभिन्नताओं में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, याद रखना। विभिन्नताओं में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए कि आपका चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता। इसने एग्जाम्पल दिया है, यहां पर कह रहा है भैया कि जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी क्या भैया भिन्नता है। तो ये चीजों को आपको यहां पर समझना है, इस बात को समझना है, ठीक है भैया। चलिए अब दूसरी बात को जैसे यहां पर समझे, अब यहां पर एनसीईआरटी में यहां पर चीजों को दे रखा है, यहां पर ध्यान रखना। यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इस एनसीईआरटी में, जो पढ़ने लायक एग्जाम्पल है विभिन्नता के बारे में, ध्यान रखना। यहां पे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये दो लड़कों की कहानी दे रखी है। एक का नाम है समीर वन, क्या नाम है भैया, एक का नाम है समीर वन और दूसरे का नाम है समीर सेकंड, क्या नाम है भैया, समीर सेकंड। तो एक का नाम है समीर वन और एक का नाम क्या हो जाएगा, समीर सेकंड। तो इसके बारे में बताया गया, याद रखना, एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे यहां पर। यहाँ पे कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपस आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल छोटे बच्चे का बताया गया, अब छोटे बच्चे का एग्जाम्पल बताया गया तो उसमें बताया गया कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप क्या है, कुछ मामलों में अपने क्लास के दोस्तों से एक जैसे हो सकते हैं, कुछ मामलों में अपने दोस्तों से अलग हो सकते हैं, आप अलग तरीके से भाषा बोलते हैं ना। हालांकि ये मैं आपको, देखो मेरी बात को समझना, ये जो मैं डिक्टो आपको पढ़ा रहा हूं याद रखना, ये जो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं डिक्टो आपको पढ़ा रहा हूं याद रखना, प्रॉपर तरीके से नोट्स पढ़ा रहा हूं, है ना, प्रॉपर तरीके से जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, समझ रहे भैया। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉपर एनसीईआरटी जिसको कहते हैं। लेकिन इसी एनसीईआरटी का अगर मैं आपको बताऊंगा याद रखना, तो इसी एनसीईआरटी का प्रॉपर नोट्स मैंने बनाया हुआ है, कक्षा 6 पॉलिटी एनसीईआरटी नोट्स, जिसमें पूरा देख रहे हो, ये वाली इमेज उस एनसीईआरटी में लगी हुई थी, ये वाली इमेज इसमें लगी हुई है। तो ये A4 साइज के प्रॉपर मैटर में, A4 साइज का मतलब मैं इसको छोटा कर दूं यहां पे, इस तरीके से पूरा एक पेज, इस तरीके से पूरा एक पेज प्रिंट निकालने लायक, आप अपने घर पे प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसी बहुत बढ़िया पीडीएफ मैंने बनाई है। ये मेरे नोट्स हैं पर्सनल, तो आप पढ़ते वक्त इन नोट्स को जरूर लें। और ये वही नोट्स हैं जिन नोट्स को पढ़ के 21 जनवरी वाले पेपर में हजारों बालक पास हुए हैं, 40+, 45+, 50+ नंबर उन्होंने पाए हैं। तो आप ऐसे नोट्स लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 87-55-23-85-00, ठीक है भैया। इस नंबर पे आपको क्या कर लेना होगा भैया, कॉल कर लेना होगा, उनसे कह देना कि हमें सीटेट के एसएसटी के नोट्स चाहिए अनुपम सर के। चलो खैर, ये मामला तो एक अलग है भैया, है ना। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग यहां पे प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, और जब प्रॉपर तरीके से चीजों को यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर कह रहा है, याद रखना कि दूसरी बात यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि जनपद के भीड़भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था मैं, जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है, बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों तुमने क्या सोचा। तो वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जो चित्र में जो समीर साइकिल पर है वो एक जो है अंग्रेज आप समझता है ये वाला, यानी सिंपल भाषा में बात करें कि ये जो दूसरा अंग्रेज है ये पैसे वाला अंग्रेज, ये पैसे वाला व्यक्ति है जो हिंदी भी बोलता है, और इसके बारे में बताया गया कि ये हिंदू वर्ण से आता है। दूसरे के बारे में बताया गया है जो समीर वन है वो गरीब है,
वो गरीब है, वो फुटपाथ पर अखबार बेचता है, वो फुटपाथ पर क्या बेचता है भैया, अखबार बेचता है। अच्छा अगली बात कह रहा है कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो। नीचे दी गई कहानी को पढ़ें, इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए हो। हाँ तो ये वो लड़का हमने बता दिया। इस बार थोड़ा अधीर होते बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, लिख भी सकता हूं, मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। क्या भैया, हिंदी भी पढ़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, एक बार कमेंट तो बताओ, है ना, कमेंट तो बताओ भैया। देखो सब लोग आराम से पढ़ो, एकदम से प्रीति से एसएसटी एनपम सर होके गुरुजी दोबारा पेपर होगा या नहीं? नहीं नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। अगर सीटेट में 50 प्लस लाना है तो अनुपम सर जी से जल्दी जुड़े, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं हमारे अनुपम सर। थैंक यू। सहदेव पेपर कैसा हुआ भाई? सहदेव ये तो बताओ, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, ये तो बताओ भाई, हैं सहदेव? ठीक है, चलिए। तो अब यहां पे कह रहा है, ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे पूरी कहानी यहां पे समीर वन और समीर दो के बारे में बताई गई है। तो सब्जेक्ट उसने पूछा कि अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्यों? क्योंकि जो समीर वन है वो कभी क्या नहीं गया भैया, वो कभी स्कूल नहीं गया। और जब वो कभी स्कूल नहीं गया, ये क्या भैया, ये स्कूल नहीं गया, ये स्कूल नहीं जाता है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या नहीं भैया, ये पढ़ा लिखा नहीं है। एनसीईआरटी में बताया गया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है और ये स्कूल नहीं जाता। जबकि ये वाला जो दूसरा समीर है ये कैसा है, तो ये दूसरा वाला समीर जो है वो पढ़ा लिखा है। ये दूसरा वाला समीर कैसा है, दूसरा वाला समीर कैसा है, वो पढ़ा लिखा हो जाएगा, याद रखना। तो यहां पर बताया गया है कि वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया, मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। मतलब ये कहानी बताएगी कि भैया कि वह जो है ट्रैफिक चौराहे पर था एक समीर, जिसको समीर दो जो है मिल गया। ठीक है भैया, चलिए और नेहरू जी की चाय आते हुए। ठीक है, आप भी चाय जो प्रॉपर पीते रहे भैया, चाय बहुत बढ़िया चीज है मास्टरों के लिए। टीचर मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अरे क्या हुआ भाई? ठीक है, अगले दिन वह फिर से वहां पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। मतलब पहले इसमें बताया गया है कि वो ऐसी जगह पे था जो समीर वन लड़का है, जो इंग्लिश में बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश, है ना। लेकिन जब उसको पता चला कि ये जो समीर दो है ये तो हिंदी बोलता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है ऐसी जगह पे, क्योंकि वो देखने में सूट वूट पहन के आता होगा तो देखने में वो अंग्रेज जैसा लग रहा था, तो उसने कहा भैया आपकी चाय, है ना। तो ठीक है, तो अंग्रेज अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। मतलब समीर दो ने कहा, मैंने कहा तो किसने कहा, ये जो मैंने कहा है ये समीर दो है। देखो मैं बहुत डिटेल में आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, इसको बोर मत समझना, कह रहे सर बोर कर रहे हैं चीजों को एकदम से। ऐसी चीजें मैं लास्ट में मैं खुद नहीं पढ़ाता हूं, जब सीटेट का निकट आता है तो हम फिर शॉर्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आपको डिटेल में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डिटेल में चीजों को इनको पढ़िएगा। ठीक है, डिटेल में चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, चलो। तो यहां पे समीर वन और समीर दो के बारे में बताया गया। तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने कहा, उसने जवाब दिया, मतलब समीर वन ने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया, छोटा था, उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। कि उसने कहा कि जब मैं इतना सा था तब से मैंने क्या कर दिया, तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब वो गरीब है, पहले मेरी मां मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूं। तो उसने कहा, अभी तुम्हारी मां कहां है? समीर दो पूछा है। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है और उसके साथ .. बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। तो उसने कहा कि वह मेरठ में, समीर वन की माता कहां रहती है? मेरठ में। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? मतलब समीर वन कह रहा है कि मेरा नाम समीर है, वो पूछ रहा आपका नाम क्या है। तो आगे कह रहा है, यह ध्यान रखना, ऊपर चलेंगे, कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समीर वन और समीर दो की कहानी दे रखी हुई है ना। तो कह रहा मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हां, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? समीर दूसरा कह रहा है।
हवा या पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो हो गया। तो यही कहानी इसके बारे में बताया गया ना भैया, ये कहानी बताया गया भैया कि समीर वन एंड समीर टू की कहानी कक्षा छह की एनसीईआरटी में दे रखी भैया। कक्षा छह की कहां दे रखे भैया, तो कक्षा छह की एनसीईआरटी में समीर वन और समीर दो की कहानी के बारे में बताया गया। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। बिहार एस्टेट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं देखिए उनके लिए नोट्स बने हुए मेरे, तो बिहार एस्टेट वाले अपने नोट्स ले लें और तब तक उससे अपना जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ठीक है, चलिए। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो, है ना। उसका छोटा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा, वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। यानी पहला जो समीर है, जो चित्र बताया गया, जो मैंने आपको यहां पर बताया था पहले वाले चित्र में, ये दूसरा कौन है, हिंदू समीर है, लेकिन ये पहला कौन सा है, तो ये मुस्लिम समीर है। ये कौन सा भैया, तो ये मुस्लिम समीर है, याद रखना। और वो कौन सा है, वो हिंदू समीर है। तो यहां पर इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं से एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अच्छा, उसकी आंखें भराई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। उसकी क्या हुई, आंखें उसकी भर आई, ठीक है सर। यूपीटर जूनियर के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी, यूपी में जूनियर के लिए करवाएंगे, सुपर टीटी के लिए बिल्कुल होगा जी। जो लोग बिहार एस्टेट के लिए कह रहे हैं भैया, बिहार स्टेट में छठवीं से लेकर के दसवीं तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको पढ़नी है, तो ये आपकी उसमें भी हेल्प करेगा। विश्वास के साथ चीजों को पढ़िए, ठीक है जी। हाँ, एक्स्ट्रा टीजीटी के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अमन बरार जी, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है ये 8755238500। बढ़िया, अच्छा नोट्स हमारा बना हुआ, ठीक है। संजीत पांडे जी मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। ठीक है, चलो। तो बता रहा है यहां पे समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखी है, क्या ये अंतरों ने दोस्त बनने से रोक पाई, तो अंतर लिख सकते हो ना भाई। समीर वन जो है एक गरीब लड़का है, समीर दो अमीर लड़का है, समीर वन एक मुस्लिम परिवार से आता है, समीर दो हिंदू परिवार से आता है, समीर वन जो है और अखबार बेचता है, समीर दो जो है अपना जॉब वगैरह करता है, तो ऐसी चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर गया कहां। ये कहानी जो लिखी है पोयली सेन गुप्ता की कहानी है, द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। तो यानी एनसीईआरटी में यह जो कहानी ली गई है, तो एनसीईआरटी में यह कहानी ली गई है पोयली सेन गुप्ता, इसी को लिख देते हैं पाउली सेन गुप्ता। तो याद रखना, तो पाउली सेन गुप्ता की कहानी है द लाइट्स चेंज, उनकी पुस्तक है, उससे हमने समीर वन और समीर दो की कहानी को लिया है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अगला सीटेट जुलाई और अगस्त में होगा। संजीत मेरे भाई ये बात है, पढ़ लो आराम से, है ना। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, याद रखना, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है, मतलब जो अखबार बेच रहा है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अब देखो, ये तो प्रॉपर तरीके से नोट्स है, ये तो प्रॉपर तरीके की बातें। अच्छा, अब जो वाले जो नोट्स मैंने जो आपको दिए हैं, जैसे ये मैं नोट्स जो आपको दूंगा, इसमें अब एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन मेरे नोट्स में क्या चाहिए, संक्षिप्त में लिखी हुई। जैसे कक्षा छह पॉलिटी एनसीईआरटी नोट्स, विविधता की समझ। अब पहला चैप्टर में आप देखेंगे तो लिखा भी है इसमें कि विविधता क्या है,
तो विविधता का समान अर्थ है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, वेशभूषा, धार्मिक रूप से एक समाज व एक देश में समानताओं के साथ विभिन्नताओं का मिश्रण। विविधता में एक पहचान आवश्यक होती है, एक राष्ट्रगान, एक देश, एक राष्ट्रीय ध्वज या एक संविधान आदि, है ना, एक संविधान आदि। अब ये मैंने उसमें लिख दिया अपना, उसके अलावा और कुछ चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं उसमें, और कुछ भी जितनी भी चीजें पेपर में बन सकती है वो सारी की सारी चीजें मैंने आप आगे इसमें यहाँ पे नोट कर दी। देखो ये यहाँ पे देखो मैंने नोट कर दिया, द लाइट्स चेंज के लेखक है पाउली सेनगुप्ता है, जिसे समीर वन एंड समीर टू की कहानी ली गई है। तो जो ये मेरे नोट्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सीटेट के लिए मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि सर आप अपना प्रमोशन करते हो, नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जनवरी वाले पेपर में जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा सबका पेपर पास हुआ, याद रखना। तो बस मैं बस इतना कह रहा हूं, ये नोट्स भी आप ले सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं ना, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 87 55 23 85 00, ठीक है भैया। चलो आगे चलेंगे, इस बात को आप यहां पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, नंबर आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अपना पढ़ते हैं प्रॉपर। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने बता दी। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो में कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर दे रखा है कि समीर उदाहरण के तौर पर के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। और यही वाला सवाल याद रखना मेरे दोस्तों, यही वाला सवाल जो पेपर में पूछा गया आपके लिए, आपके लिए याद रखना, ये वाला सवाल पेपर में पूछा गया कि क्या गरीबी और अमीरी विविधता का रूप है? नहीं, गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का रूप है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। तो ये तीन चीजें पेपर में पूछी जाएंगी, एक तो पूछी जाएगी भैया गरीबी, गरीबी, दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा अमीरी, तो गरीबी अमीरी, और तीसरा पूछा जाएगा जाति व्यवस्था। क्या पूछा जाएगा? जाति व्यवस्था। और आपसे पूछेगा कि क्या ये तीनों चीजें गरीबी अमीरी जाति व्यवस्था क्या ये जो है ये विविधता की पहचान है? आपसे सवाल में पूछेगा कि क्या ये जो है विविधता की पहचान है? तो याद रखना नहीं, ये जो है विविधता की पहचान नहीं है, ये जो है विविधता की पहचान नहीं है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार है कि लोग किस तरह के काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए सारी चीजें वहां पर दे रखी हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुमारी होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसके बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं विविधता के साथ साथ भेदभाव, विविधता के साथ साथ भेदभाव, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, बताओ क्लियर है? चलिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है आपको खुद कहानी बनाना भी और जो पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी
सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते होंगे, ऐसी जगह रहकर के वे कैसी खाने लिखेंगे। कहने का मतलब ये, इस चैप्टर में आपको बताया गया भैया कि विविधता के बारे में क्या क्या चीजें। हाँ जी, पूरा नोट्स है भैया। सर जी, मेरा एग्जाम सेंटर में मेरा फिंगर नहीं ले रहा था, मेरी जगह किसी दूसरे का फोटो दिखा रहा था, यही चलते मेरा टाइम आधा घंटा लेट हो गया था, बट SST में बहुत ही अच्छा गया सर जी, 47 आ रहा। अरे गड़बड़ हुआ यार, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, हो जाएगा फिर भी एकदम से ऑल ओवर क्या लगता है, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए। भारत में विविधता के बारे में कह रहा है कि भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो भारत क्या भी याद रखना, भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है? विविधताओं का देश है भैया। जैसे भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया, दो और तरीके लिखिए। जैसे प्रार्थना और इबादत खाना में, तो प्रार्थना में क्या करते हैं भैया, हम भक्ति गीत गाते हैं। इबादत करने में हम क्या करते हैं, खुदा से इबादत करते हैं अपनी, और जो है क्या करते हैं, यहां लिख सकते हैं नमाज पढ़ते हैं। आप क्या करते हो भैया, इबादत में क्या करते हो, आप नमाज पढ़ते हो। शादी करने के लिए जाते हो तो आप अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना होता है जो सरकारी होती है, या वैसे जो होते हैं अगर उनमें और तरीके क्या हो सकते हैं शादी के लिए, जैसे जो मुस्लिम लोग जो शादी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको निकाह करना कहते हैं, वो लोग अपना निकाह करते हैं। तो ये क्या है? इसी के अलग अलग रूप है ना, लेकिन है तो शादी ना, है ना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज लोग करते हैं, मतलब ये इसके और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। इस क्लास से आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले मैं आपको थ्योरीज की पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन मैं आपको इसके MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो अगले दिन आपको इसके क्या होंगे भैया, MCQ क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है भैया, आप यदि नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ये बेहद जरूरी है आपके लिए। ठीक है भैया, चलो। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, ये पेपर में सवाल पूछा गया मेरे दोस्तों, ये पेपर में सवाल पूछा गया भैया कि मणिपुर में जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है भैया, वो फनेक पहनती हैं। क्या पहनती हैं? फनेक पहनती हैं। जैसे और बताएं, कश्मीर में, तो कश्मीर में महिलाएं क्या पहनती भैया, कश्मीर जो महिलाएं पहनती है चोगा, कश्मीरी चोगा, तो वहां पे जो महिलाएं पहनती हैं, वहां पे जो महिलाएं पहनती हैं उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं दादगना भैया, कश्मीरी चोगा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कश्मीरी चोगा कहते हैं। ठीक है भैया, है ना, फिरन कहते हैं कश्मीर में जो चोगा पहनते हैं, इसको फिरन भी बोलते हैं, फिरन। तो कश्मीर में जो महिलाएं पहनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिरन बोलते हैं, याद रखना, पेपर में पूछा गया। ठीक है भैया, है ना, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे राजस्थान वगैरह में जो महिलाएं पहनती क्या बोलते हैं, घाघरा चोली, तो घाघरा चोली जो महिलाएं पहनती हैं, तो घाघरा चोली जो महिलाएं पहनती है वो कहां पहनती है, राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में महिलाएं क्या पहनती है भैया, घाघरा चोली पहनती है। कश्मीर में जो महिलाएं पहनती है वो फिरन पहनती है, जिसको कश्मीरी चोगा कहते हैं, है ना। जैसे अभिवादन करने में हम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रिवाज है विशेष तौर से पूर्वांचल की, प्रणाम करना, या राम राम करना, जय श्री राम करना, या मथुरा वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो क्या हो जाएंगे, राधे राधे करना, है ना, वहां पे। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर झारखंड के आदिवासियों के लिए आप जाओगे तो एक दूसरे को जोहार कहना पसंद करते हैं, जय जोहार, आदिवासियों के एक व्यक्ति थे जोहार, उनके सम्मान के लिए लोग कहते हैं। अच्छा, जैसे आप जाओगे कर्नाटक में जाओगे तो वणे कम कहते हैं वहां पे, या केरल में आप जाओगे तो जो केरल में जो सबरीमाला मंदिर है उनके जो आदिदेव है क्या नाम उनका, उनके आधार पर जो है श्री श्याम शिवाय, ऐसे करके अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे बिरसा मुंडा, झारखंड के जो लोग बिरसा मुंडा को मानते हैं वो भी जोहार कहते हैं। चावल पकाने, जैसे मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, हमारे यहाँ पे कुछ और भोजन बनाया जाता होगा, आपके यहाँ पे कुछ और भोजन बनाया जाता होगा, तो लेकिन ये अलग अलग रूप है, ये अलग अलग रूप है, लेकिन ऑल ओवर चीजें तो एक ही है ना भैया, बताओ। लेकिन गहराई से सोचें, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, चीजें एक ही हैं लेकिन बस हमारे करने का तरीका अलग अलग है। चाहे आप कश्मीरी चोगा है, चाहे तो आप फिरन पहन लीजिए, है ना,
फिरन पहन लीजिए जिसको हम कश्मीरी चोगा पहनते हैं, या फिर आप फनेक पहन लीजिए, घाघरा चोली पहन लीजिए, असम में मेखला चादर कहते हैं जो महिलाएं पहनती हैं भैया, केरल में मुंडुम नरियाथम कहते हैं वो महिलाएं पहनती हैं भैया, दक्षिण भारत में लंगावनी धावनी जिनको कहते हैं वो पहनते हैं भैया, उत्तर भारत में अनारकली सलवार सूट महिलाएं पहनती हैं। पहन तो कपड़े रही है ना, कपड़ों के अलग अलग प्रकार हैं, और जहां अलग अलग प्रकार हो जाएंगे वहीं भिन्नताएं आ जाएंगी, वहीं विभिन्नताएं आ जाएंगी, इन बातों को याद रखना ठीक है। तो लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं ठीक है। चलो, मैं चाहता तो इनके शॉर्ट नोट्स बना करके आपको पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं यहाँ पे कि कितनी डिटेल में चीजों को पढ़ करके काम किया जा सकता है। यहाँ पे इतनी डिटेल में चीजों को आपको पढ़ना होगा। हम विविधता को कैसे समझें, तो हम कैसे समझेंगे, करीब 200 वर्ष पहले जब रेल हवाई जहाज बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तो कह रहा भैया कि तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। भाई आज हम रेल से हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन पहले और लोग भी तो यात्रा करते थे। तो पहले लोग क्या करते थे, पानी के जहाज में जाते थे, घोड़ों या ऊंट पर बैठ करके जाते थे, या फिर पैदल यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में करना होता था भैया, लोग व्यापार के लिए जाते थे भैया, है ना। तो यहाँ पे इन सब के बारे में चीजों को कह रहा है, अलग अलग जगह लोग जाएंगे, अलग अलग खान पान देखेंगे, अलग अलग भोजन वहां से देखेंगे, तो कुछ लोग युद्ध वगैरह के कारण घर छोड़ देते थे। तो ये सारी चीजों के बारे में, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे तो दूसरे स्थान की चीजों को उन्होंने देखा। जैसे दक्षिण भारत में जाओगे, है ना, तो दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां अलग भोजन पानी है, उत्तर भारत में अलग भोजन पानी है, तो इसके आधार पे, है ना। तो यहां पे इसके बारे में जब ये सब लोग जाएंगे दाम पे, तो याद रखना इससे क्या होता है, मिश्रण होता रहता है उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जा रहा है यहां से मिली जुली संस्कृति के आधार पर, तो आप इसमें क्या जवाब दे सकते हैं कि लोग भोजन की तलाश में, काम की तलाश में, मुसीबत में, युद्ध आदि में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वहां की मूलभूत संस्कृति को देखते हैं और उस संस्कृति से अपने आप को मिला लेते हैं, और उससे एक मिश्रित संस्कृति पैदा होती है। कैसे मिश्रित संस्कृति पैदा होगी इसके बारे में यहां पर एग्जाम्पल के बारे में दे रखा है, ठीक है। जैसे यहां पर दो के बारे में दे रखा है, आइए भारत के दो भागों के बारे में, लद्दाख और केरल के बारे में सरिये के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ना। तो यहाँ पे लद्दाख और केरल के बारे में एग्जांपल दे रखा है। अब मिलीजुली क्या होता है, लद्दाख और केरल में अलग अलग प्रकार के लोग आए होंगे तो उनसे जो एक व्यवस्था बनी होगी। जैसे फॉरन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लद्दाख के बारे में समझेंगे, एकदम बढ़िया कंटेंट है पूरा, जो मेरा नोट्स है उसमें मैंने पूरा ब्रीफ में बनाया हुआ है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में कंटेंट पढ़ा रहा हूं। तो एक बार अगेन मैं इस बात को कहूंगा, एक बार आप वो नोट्स ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट है नॉर्मल प्राइस में, और आपका भी काम हो जाएगा मस्त तरीके से सारे, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आगे चलते हैं। जैसे लद्दाख कह रहा है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख, ऊंचे पहाड़ों वाला। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो लद्दाख कहां पे, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में स्थित है, याद रखना। यहां पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल पेपर में पूछा गया है कि लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए नदियों पर निर्भर रहते हैं भैया, है ना। अवनीत कौर जी कॉल कर लेना उस नंबर पे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है भैया, कॉल कर लेना उस नंबर पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीने के पानी के लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ये पूछा गया है क्या ये लोग नदी के पानी पर निर्भर करते, नहीं, ये लोग पिघलती हुई बर्फ पर निर्भर करते हैं।
यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, कहाँ के लोग, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, यानी उस बकरी से एक ऊन मिलता है पश्मीना ऊन, और यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना ऊन से जो शॉल बुनी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पश्मीना शॉल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, इस बात को याद रखना। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट समझना है ना भैया, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, लद्दाख के लोग उस पश्मीना ऊन को लेकर के कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। अब क्यों बेच देते हैं, ताकि उनको इससे कुछ पैसा मिल जाए और उनसे इनका क्या हो जाए भैया, रोजगार चले। क्या चले भैया, इससे क्या हो जाए भैया, उनका रोजगार चले, याद रखना। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते, लोग क्या नहीं होते भैया, इस बात को समझ नहीं पाते। क्यों, जैसे एक आरोही चौधरी के नाम से एक जड़ बुद्धि व्यक्ति है, वो कमेंट कर रहा है, कोर्स बेचना शुरू कर दिए सर जी। अब एक गधे कहीं की, अब लेडीज है या मेल है मुझे नहीं पता, आरोही तो जाता मुझे लगता लड़कियों का नाम होता है, तो निश्चित तौर पर तो जड़ बुद्धि होगी बिल्कुल, दिमाग एक पैसे का नहीं होगा। जब लद्दाख के लोग अपनी ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले जिनका रोजगार चले, तो हम कोर्स क्यों बेचेंगे, ताकि उसको आप खरीदेंगे उससे हमारे पास पैसा आएगा हमारा रोजगार चलेगा। तू पेपर की तैयारी क्यों कर रहा है मेरे भाई, या कर रही है क्यों, ताकि तुझको पैसे मिले, तो अपनी नॉलेज को ही तो सेल करेगा बच्चों को पढ़ाते वक्त, कम गवर्नमेंट तुझे तनख्वाह देगी। तो इस बीच में इस बात को रिपीट करने का क्या मतलब है, लेकिन कुछ इतने जड़ बुद्धि होते हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बस उल्टी सीधी हरकत करेंगे। तो उनमें से एक ये भी है, शायद तुझे इस एनसीईआरटी किताब से कुछ समझ में आ जाए तो समझ ले, है ना। चलो खैर, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, ये किसको बेच देते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को ये लोग बेच देते हैं, याद रखना ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर है कि मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, तो पश्मीना शाल कहां बुनी जाती हैं, तो पश्मीना शाल मुख्यतः कश्मीर में ही बुनी जाती है, इस बात को याद रखना ठीक है भैया। चलो, यहां के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का एक छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। हर एक परिवार के पास कुछ ना कुछ होते हैं। याक एक पशु होता है, बैल के जैसा एक पशु होता है, इस बात को याद रखना ठीक है भैया। तो ये यहाँ की ये जितनी बातें लिखी गई हैं, इनसे पेपर में चीजें पूछी जाएंगी। दूसरी बात कह रहा है, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोग तिब्बत लोग किस लिए जाते थे, तो तिब्बत लोग जाते थे लद्दाख के रास्ते से, लोग कहां जाते थे भैया, तिब्बत में आते, ध्यान रखना। लद्दाख के रास्ते लोग कहां आते थे भैया, तिब्बत आते थे, ध्यान रखना ठीक है भैया। चलिए, राजेश ठाकुर जी स्वागत है मेरे भाई, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर ठीक है। तो लद्दाख के रास्ते कहां जाते थे लोग, लद्दाख के रास्ते होकर के वो लोग मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या तिब्बत जाते थे। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर के चलते थे, काफिले यानी व्यापारियों का समूह। तो जब लद्दाख के रास्ते लोग कहां जाएंगे, तिब्बत जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भैया, तो लोग बीच में कहीं ना कहीं रुकेंगे। जब लोग बीच में कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो वहां से कुछ चीजों को खरीद करके अपने साथ आगे चलेंगे। व्यापारी का काम क्या है, कोई चीज जहां पे सस्ती है वहां से खरीद करके, जहां महंगी बिकेगी वहां बेच देना, है ना। चलिए ठीक है, एक बार नोट्स लीजिए, समझ आ जाएगा, बेस्ट रहता है। नोट्स और एमसीक्यू तो गॉड लेवल्स पर है सर का, ईस्ट या वेस्ट, अनुपम सर इज बेस्ट, 50 प्लस कंफर्म। थैंक यू सनातन आर्यवर जी, धन्यवाद सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, अरे बहुत कमेंट आते हैं, देख नहीं पाते भैया। चलिए, है ना, ओके आगे चलेंगे। बेस्ट पेपर हुआ है सर जी, बहुत बढ़िया भाई। जितना मैं आपको बता दूंगा, देखो सिंपल सी बात है भाई, जब 7-8 साल से केवल इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, तो जितना मैं आपसे ये कह देता हूं ना कि भाई एसएसटी में जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़ लो, 60 में से गलत, बुरी से बुरी कंडीशन में भी 45 प्लस और 40 प्लस अंक आएंगे ही आएंगे, और बताओ भाई क्या दूं, बस तो एकदम पढ़ो भैया।
सर जी प्रणाम। सर जी मैंने आपके नोट्स लिए थे, मेरे एसएसटी में 41 नंबर हैं, पर सर जी हिंदी और सीडीपी में काम हो गए, कम हो गए। सर जी सबसे बेस्ट है एसएसटी के लिए। थैंक यू अनीता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओवर कहीं ना कहीं ये देख लो, बस 90 प्लस नंबर आ जाए और दोबारा से मेहनत करो, थोड़ा इससे प्रेरणा लो। पीपीएससी 3.0 को क्लियर करना है, 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरी बात, अब जब लोग जाएंगे तो यहां पे लिखा है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहां पहुंच गया भैया, तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहां पहुंच गया भैया, तिब्बत पहुंच गया। इस सवाल पेपर में पूछा जाएगा, यह सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत किससे रास्ते पहुंचा, तो बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत जो पहुंचा वो लद्दाख के रास्ते से पहुंचा, क्योंकि लद्दाख और तिब्बत में बहुत सारी समानताएं, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझना है कि लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर चीजों में समानताएं है ना। करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इस्तेमाल धर्म से परिचय हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अब यहां अच्छी खासी संख्या में कौन रहते हैं भैया, मुसलमान रहते हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है भैया, बताओ। एक एक चीज के बारे में बताओ कि हां सर यह बात एकदम से क्लियर है। क्लियर में एक सवाल ही देख रहा था, एक सवाल जो पेपर में पूछा गया है मैं उसको देख रहा था, बस अगर आ जाता है तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा ना, ताकि आपको ये भी पता चल जाए ना कि चीजें जो है बिल्कुल वही है, जितना हम कह दे रहे हैं उतना ही पेपर में आ रहा है, उससे और कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखो मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं 33, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा और पढ़ा दे रहा हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह, मौखिक मतलब जो गाते पाते हैं। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तो तिब्बत, क्योंकि तिब्बत की जितनी भी विशेषताएं होंगी सब लद्दाख में, तभी तो उसको हम छोटा तिब्बत कह रहे हैं। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा वो लद्दाख में गाया जाता है, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। दोनों लोग क्या करते हैं भैया, गाते भी और उसमें नाटक खेलते हैं। यहां पे बताया गया पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें जो पश्मीना शॉल बुनी जा रही हैं, है ना। अच्छा, अब आ रहा है केरल के बारे में, लेकिन अब देखो एक बात बताओ, इतना आपने पढ़ लिया, इतना आपने देखो लद्दाख के बारे में इतना आपने पढ़ा ना, अब याद रखना, अब यहां से एक सवाल पूछा जाएगा। लद्दाख में लिखा है मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग ज्यादा पाए जाते हैं, यहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग कम पाए जाते हैं, तो बुद्ध होंगे या मुसलमान लोग होंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, व्हाट्सएप पर मुझे हिमांशु सर ने भेजा था, हमारे गर्त के फैकल्टी हिमांशु सर, मैं देखो उनका ही व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं। हिमांशु सर मैथ्स टेस्ट बुक, ये देखो जो पिछला वाला पेपर है ना, जो पिछला वाला जो पेपर है ये मुझे हिमांशु सर ने भेजा था, और मैं आपको बताता हूं जो पिछला वाला पेपर है ना, देखो इसमें ये इसी 21 जनवरी का पेपर है, और कौन सा सवाल है 33। इस 21 जनवरी वाले पेपर में ही, ये पेपर मेरे पास है, और 21 जनवरी वाले पेपर में ही 33वां जो सवाल है वो पेपर में पूछा गया था। जरा ये देखो यहां पे, जरा ये देखो यहां पे, अब ये सवाल देखो, ये तब भी पूछा गया था, मैंने तब भी कराया था और अब भी कराया था ना, लद्दाख और तिब्बत में समानता के बारे में पूछा था, वही तो मैं करा रहा हूं सीमा, वही मैं करा रहा हूं। देखो भैया है ना कि खाली जगह के कारण, यहां पे कह रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे इसको खोल लेता हूं। खाली जगह के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, तो धार्मिक समानता है, भाषाई समानता है, भौगोलिक समीपता है, समान भोजन भी। अब ये समान भोजन को लेकर के एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं दिया गया है कि क्या समान भोजन है या नहीं है, तो या तो हम अगर सी को हटा देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी डी। ए तो बिल्कुल क्लियर है, बी बिल्कुल क्लियर है, डी बिल्कुल क्लियर है, तो या तो ए बी डी ऑप्शन होगा, या अगर सी को भी शामिल कर लेंगे तो ए बी सी डी ही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको सॉल्व, ये तभी की पीडीएफ है, मैंने सॉल्व कराते वक्त इसका तो दो लगाया था, क्यों, समान भोजन भी है तिब्बत और लद्दाख में, यहां पर क्या है
समीपता बहुत ज्यादा है तभी तो हम उसको क्या कह देंगे, छोटा तिब्बत कह देंगे। तो इसका उत्तर दो भी हो सकता है, लेकिन इन केस अगर समान भोजन को सीबीएसई कंसर्ट नहीं करेगा तो फिर उसके आधार पर इसका सटीक आंसर क्या पता चलेगा, जब आंसर की आएगी ऑफिशियल, ऑफिशियल जब आंसर की आ जाएगी तब उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम इसका क्या मान के चल रहे हैं, फिर भी हम इसका उत्तर मान के चल रहे हैं कि भाई इसका उत्तर जो होना चाहिए वो बी इसका उत्तर जो हो जाना चाहिए। तो ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है। तो सीटेट को ऐसा नहीं है कि सीटेट में आप बस एक महीने पढ़ लीजिए और एकदम से पूरा पेपर पास हो जाएगा, नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाके चीजें बनती हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या सर ये बात यहां पर समझ में आ गई बताओ, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, चलो खैर बात समझ में आ गया ना। अब हम इस पे आ रहे थे, तो लद्दाख के बारे में समझ में आ गया। लद्दाख से कोई पॉइंट पूछा जाएगा, आप इनमें से सारे पॉइंट बना सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, है ना। चलिए, है ना, इस बात को याद रखना। और जितनी भी चीजें ना, जितनी भी चीजें सब कुछ मैंने करा रखी है अपने नोट्स में, अपने हैंडरिटन नोट्स में सब कुछ मैंने करा रखा है, तो बस एकदम से उसको पढ़ लीजिए एकदम से। कौन सा नोट्स है, ये वाला, कहां गया भैया, ये कक्षा 6 पॉलिटी एनसीईआरटी के नोट्स, भारत में विविधता। कुछ एक्स्ट्रा चीज भी दे रखी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो देखो मैंने एक्स्ट्रा चीज यहां पे दे रखी, तीज त्योहार वगैरह इसमें ऐड कर दिए ताकि आप इनको पढ़ लेंगे एकदम से, है ना। ये देखो लद्दाख वाला कहां गया, देखो ये लद्दाख वाला चित्र भी लगा के देर क्या दे रखा है ना। बिहार स्टेट का आप नहीं पढ़ाओगे क्या, बिहार स्टेट के लिए अभी तो मैं नहीं पढ़ा, यूट्यूब पर देख लूंगा कुछ कुछ क्लासेस, है ना। तो ध्यान रखना, अब देखो लद्दाख के बारे में दे रखे हो, सारी चीजें लिखी रखी है लद्दाख के बारे में एकदम प्रॉपर, सारी चीजें एकदम बढ़िया, जितना भी कंटेंट है प्रॉपर पूरा कंटेंट दे दिया लद्दाख के बाद, फिर केरल के बारे में सारी चीजें। तो एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी और एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है सब मैं अपने नोट्स में देता हूं, तो एक बार आप इन नोट्स को भी ले लें, इनसे भी अपना पढ़ें। अब अगर ये बताओ, मैं आपके लिए मेहनत करके संक्षिप्त में कोई चीज निकाल दे रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि ये नोट्स हैं एक पेपर वाइज साइज में, ऐसे A4 साइज पेपर में, बुक के फॉर्मेट में, जिनको आप घर के आसपास कहीं भी जाकर के ऐसे प्रिंट निकलवा सकते हो और बढ़िया तरीके से अपने घर पर बैठ के पढ़ सकते हो। तो इनको पढ़ लो, इनको भी ले लो, एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी यूट्यूब की क्लास पढ़ते रहना। आगे चलेंगे, अब हम लोग लद्दाख के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। अच्छा, ये तो पता है ना नोट्स कैसे लोगे, उसके लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना हमारा, ये हमारा नंबर है 87 55 23 85 00। ठीक है, चलो केरल के बारे में कह रहा, ध्यान रखना कि केरल, अब एक तो लद्दाख के बारे में दे रखा है, तो लद्दाख में आपको समानता पता चल गई, कैसे लद्दाख में समानता है कि वो तिब्बत से समीप रखता है। ठीक है भैया, चलिए, है ना, जिन लोगों को पेड कोर्स भी लेना है ना, वो भी पेड कोर्स भी बहुत नॉर्मल है, इसी नंबर पे कॉल कर लेना, जिन लोगों को पेड कोर्स भी दे रखा है, पेड कोर्स, तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है, वहां से चीजों को पढ़ लेना। ठीक है, चलो, केरल में भारत, केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य, केरल कहां है, भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में, जबकि लद्दाख कहां पर है, जम्मू कश्मीर के कहां पर भैया, पूर्वी हिस्से में, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। सर बहुत ही अच्छे नोट्स हैं मैंने लिए हैं, बहुत बढ़िया जी। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, केरल एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब यहां पे अरब सागर है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची आदि उगाए जाते हैं, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहा। तो यहां पर तो केरल में तो ये चीजें उगाई जाती है, इसलिए व्यापारी यहां पर आए, लेकिन भैया ध्यान रखना लद्दाख में लोग क्यों गए, क्योंकि लद्दाख के रास्ते होते हुए लोग मध्य एशिया या तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए कॉल कर लीजिए ना, सीमा भाई मीना जी कह रही है कि हम आपका कोर्स कहां से लें, हम नहीं जानते, कॉल कर लेना उस नंबर पे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहां पर आए थे। तो ये पेपर सवाल पूछा गया है कि सेंट थॉमस जो हैं वो कब यहां पर आए थे, तो लगभग 2000 साल पहले सेंट थॉमस यहां पर आए थे, लगभग 2000 साल पहले सेंट थॉमस और यहां पर आए थे, याद रखना। ठीक है भैया, चलो, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सवाल पेपर में पूछा गया भैया कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट को, हाँ ठीक है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है, तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है सेंट थॉमस को। और सेंट थॉमस कब आए थे, तो केरल में आए थे लगभग आज से 2000 साल पहले। अरब से कई व्यापारी यहां पर आकर के बस गए थे, अरब से भी कई व्यापारी यहां पर आए, तो जितने भी लोग हैं सब मुसलमान होंगे। तो इब्न बतूता याद रखना जो करीब 700 साल पहले यहां पर आया था। अब 700 साल पहले का मतलब जानते हो क्या है, मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में पीछे लिखा है, एनसीईआरटी ने अपना आधार वर्ष माना है, आधार वर्ष जानते हो ना,
एक बेस ईयर्स, एनसीईआरटी ने अपना आदर्श वर्ष मान लिया 2000 को, तो 700 साल पहले का, 2000 में से 700 घटा दो तो लगभग 1300-1400 के आसपास। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है, एमबीटी का शासनकाल है, तो उन्हीं के शासनकाल में तो आया इब्न बतूता, बोलो उन्हीं के शासनकाल में तो आया ना इब्न बतूता। तो एनसीईआरटी ने आधार वर्ष माना हुआ है 2000, उसके आधार पर चीजों को लिखा हुआ है ना, तो इस चीजों को समझ लेना। अच्छा, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहां बड़ी इज्जत थी, उनका यहां बड़ा सम्मान था, जो मुसलमान समुदाय यानी जो व्यापारी लोग यहां पे आए थे। तो ये सवाल पेपर में पूछा गया देखना भैया कि वो लोग यहां पर आए थे, याद रखना। तो किस अरबी यात्री ने इनके बारे में लिखा है, याद रखना। तो ये जो है लिखा है भैया इब्न बतूता ने लिखा है, याद रखना। दूसरी बात याद रखना, और दूसरी बात यहां पर क्या कह रहा है केरल के बारे में, कह रहा भी ध्यान रखना कि वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना, तो भारत आने वाले जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की, वास्को डिगामा ने की, ध्यान रखना। 1458 में भारत आया, पुर्तगाल देश का रहने वाला था, नोट कर लीजिएगा। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे प्राचीन समय में विभिन्न अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर आकर के बसे, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब लोग अलग अलग संस्कृतियों के लोग आकर के बसेंगे तो उससे एक मिश्रित संस्कृति बनती है, याद रखना, जिनमें यहूदी भी है, जिसमें इस्लाम है, जिसमें ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म जिसमें शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, भाई बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि चीनी व्यापारी यहां पर आएंगे तो यहां पर मछलियां पकड़ेंगे, तो मछली पकड़ने के लिए वो अपने जालों का इस्तेमाल करेंगे। बाद में जब वो लोग यहां पर जिन जालों का इस्तेमाल किया तो उन्हीं जालों को यहां के लोगों ने भी और जो अडॉप्ट कर लिया होगा, लोगों ने उसको कर लिया होगा, और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो याद रखना केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जालों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं चीना वाला कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, चीना वाला। तो मछली पकड़ने का चीनी जाल, तो मछली पकड़ने का ये चीनी जाल इसको हम क्या कहते हैं, चीना वाला कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं भैया इनको, तो उनको हम कहते हैं चीना वाला कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं भैया, चीना वाला कहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या कहते हैं उनको, चीना वाला, ये चीन से लिया गया। तो इसमें जो चीना वाला शब्द है, चीना किसको दर्शा रहा है, चीन को दर्शा रहा है। अच्छा, और तलने के लिए, फ्राई करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। एक बर्तन है जिसको चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी, तभी तो उसमें है। तो चीना चट्टी क्या है, मछली को फ्राई करने वाला एक बर्तन, मछली को पकड़ने वाला जो जान है उसको चीना वाला कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो केरल के लोग अधिकतर क्या खाते हैं, तो केरल के लोग अधिकतर दारकना मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए क्या हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा उपयुक्त हो जाएगी, इस बात को याद रखना। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। तो एक ऐसी नाव की प्रतियोगिता होती है केरल में, याद रखना। यह कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई तमिलनाडु में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, नहीं, ओणम का जो त्यौहार है वो कहां मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कहां मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। चलो, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, भाई वो उत्तर में, ये बिल्कुल दक्षिण में, वहीं हम यह भी के देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो यानी लद्दाख में क्या है, ऊन थी तो उनको व्यापारियों ने खींचा। वहीं अगर बात करेंगे भैया केरल में क्या है, केरल में मसाले थे तो इन सब चीजों के लिए व्यापारी यहां पर आए। मैंने क्या कहा था, कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, हो सकता है व्यापार करने के लिए जाए, हो सकता है काम की तलाश में जाए, हो सकता है युद्ध इत्यादि में विपत्ति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो क्या करेगा भैया, वो क्या करेगा भैया जी, एक दूसरे की संस्कृतियों को अडॉप्ट करेगा, और जो संस्कृतियों को अडॉप्ट कर लेगा उसी से मिश्रित संस्कृति बनेगी, ध्यान रखना। चरण स्पर्श करता हूं 100 बार भैया जी, योगेंद्र म्यूजिक जी स्वागत है, योगेंद्र जी आपका वेलकम है मेरे भैया, चलिए स्वागत है, ठीक है, ओके। कह रहा है इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा संभव होता है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का मतलब जो कल्चरल उसमें आज जी रहा है कोई भी लोग आज जिस कल्चर को जी रहे हैं उसमें उसके इतिहास और भूगोल का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बोलो हां के ना।
आज आप लोग जिस संस्कृति में जियोगे, जैसे जो लोग अगर कहेंगे भाई जो लोग गांव में पैदा हुआ तो गांव का जो माहौल है वो उसके इतिहास और भूगोल से, कोई व्यक्ति शहर में पैदा हुआ वो शहर के जैसा कल्चर अपनाएगा क्योंकि वो उसके वहां का है। बोलो क्लियर है? चलिए, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ और जो रहते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल करके बातें करते हैं। जैसे अब मैं दारगना, अब मैं यहां पर रहता हूं सीतापुर में रहता हूं फिलहाल में, तो यहां पर क्या, अब जब मैं यहां पर रहूंगा तो यहां पर भी क्या है संस्कृतियों का मिलना जुलना होगा। जैसे अब एक मेरे मित्र हैं आशीष जी, तो अब वो मतलब आजमगढ़ साइड से उत्तर प्रदेश से, तो वहां भोजपुरी खूब बोली जाती है। तो जैसे अब मैं उनसे बात करता हूं, मैंने उनको मैसेज किया कल रात को, भैया सो गए क्या रात को, है ना, हम बातचीत करते रहते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं। तो उन्होंने कहा काहो मालिक का कहतवा, का कहतवा मतलब उन्होंने अपनी भोजपुरी बोला। फिर मैंने भी गूगल ट्रांसलेट करके बोला, हम सोचत रहनी कि तू सुतुल बाड़ू मतलब सो गया क्या, तो मतलब इसमें क्या है? अब वो भोजपुरी होगी। हम तहरा से कबनो बात करे के चाहत रहनी, हम मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था तो ऊपर आई, तो ये मैंने गूगल ट्रांसलेट करके किया, मुझे आता नहीं है। लेकिन अब ये क्या है, मैं उनके साथ जब मिल रहा हूं, उनके साथ बैठ रहा हूं, तो उनकी संस्कृति को मैं सीख रहा हूं ना। तो वो करे बोले बोला का कहता हूं, और फिर मैंने कहा मतलब मैंने कहना चाह रहा था, मैंने कुछ नहीं बस हालचाल पूछ रहा था, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट किया। तो उसने कहा अरे ई कवनो खास बात नहीं के, बस रउरा भलाई के बारे में पूछल राहत रहनी। तो वो कह रहे फिर आई का प्रमुख का अरे आवा ना, तो कहने का मतलब ये क्या है, अब ये सारी चीजें क्या भैया, तो अब ये सारी चीजें कल्चर है वहां का, तो हम चीजों को सीख रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मिलना जुलना बना रहता है। ठीक है, चलिए ओके। और यहां पर इसके बारे में चीजों को दे रखे हैं, आंदोलन हुए अंग्रेज वंग्रेज लोग यहां पर आए, इनके बारे में दिखा रखा है, विविधता में एकता के बारे में बता रखा है कि भारत में विविधता जो है, हाँ ये याद रखना, विविधता में एकता, क्या भारत में, तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, क्योंकि भारत तभी तो ताकतवर, अलग अलग धर्म के लोग वहां पर रहते हैं भैया। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर की लड़ाई लड़ी, क्यों, क्योंकि ये लोग उनका विरोध भी कर रहे थे, अपनी संस्कृति को चलाना चाह रहे थे, दमन कर रहे थे उनकी रीतियां, लेकिन जो हुआ उसमें सारे लोगों को मिलकर के हुआ, है ना। ये बात उचित नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं केवल महात्मा गांधी के बदौलत पूरे भारत को आजादी मिली, नहीं, आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारी चीजों का, अलग अलग प्रवेश करो, कोई एक बार कहे नहीं बीजेपी, कहे कि नहीं केवल बीजेपी का योगदान है आजादी में, नहीं बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं कोई पार्टी नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रवेश के लोगों का, है ना। चलिए, तो यहां पे सारी बातें बता रखी है, आगे हम चाहेंगे विविधता की समझ के बारे में यहां पर बता रखा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, तो ये पंडित नेहरू जी यहां पर जो भाषण दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जब देश स्वतंत्र हुआ, ध्यान रखना। अब हम कहां से बोलते हैं, लाल किले की प्राची से कौन बोलते हैं भैया, तो हमारे जो है अपने मोदी जी, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब जैसे इसके बारे में गीत दे रखा है, यहां पे एनसीईआरटी में गीत दे रखा है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भीगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे भाग के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। यह गीत है भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से लिया गया है। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भाई आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, ठीक है भैया। चलिए, अच्छा अब यहां पे दे रखा है, ध्यान रखना, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय नेते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे, ठीक है। चलिए, उनकी शहीदों की याद में गाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय एकता
कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएं, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। या नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, ध्यान रखना, अनेकता में एकता का जो विचार दिया वो पंडित नेहरू ने दिया था। अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहां दिया, अपनी पुस्तक में दिया, जिस पुस्तक का नाम क्या, भारत की खोज, याद रखना, ठीक है। चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो हमारा राष्ट्रगान लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है, वो भी विविधता को दर्शाता ना, क्योंकि उसमें अलग अलग जगह के लोगों को, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अलग अलग को लिया गया, क्योंकि पूरा राष्ट्रगान इस अवस्था में गा नहीं सकता, क्योंकि हमारे राष्ट्र गान है, देश का नेशनल एंथम है, सम्मान के साथ गाया जाता है ना, एक स्तर पोजीशन में, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो लीजिए साहब, अब ये है भैया, अब ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया फिनिश भैया, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया फिनिश, है ना। अब जैसे देखो, एक अंतर है, अब एक अंतर है, अब इसमें नई एनसीईआरटी में क्या कर दिया, नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक हटा दिया इन्होंने कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान में, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो वोटो पहले एनसीईआरटी में लगी हुई थी और राष्ट्रगान भी दिया था, वो इन्होंने हटा दिया यहां से। अब जो बालक बताओ, आप लोग जब इसको पढ़ोगे, क्या हुआ जी, अच्छा है ना, जब आप लोग जो इसको पढ़ोगे, ध्यान रखना, है ना, तो आप तो इसको देखोगे, लेकिन अब इन्होंने एनसीईआरटी से तो हटा दिया ना, लेकिन हमने नहीं हटाया। जब मैं आपको अपना नोट्स देता हूं तो मैं नोट्स में नीचे वाई कायदा देता हूं, ध्यान रखना, देखो अपना नोट्स दिखाता हूं। अरे कहां गया जी, हटे गया क्या, ऐसा कैसे हो सकता है जी, देखो ये रहा वाई कायदा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में राष्ट्रगान भी लिखा हुआ, भी याद रखना, यहाँ पे चित्र भी लिखा रखा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें पेपर में पूछी जा सकती है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो मूलतः कहां से थे, बंगाली भाषा में थे, लिखा था बंगाली भाषा में, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, एक्स्ट्रा पॉइंट जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं इसमें लिख लेता हूं। तो आज हमारा कक्षा 6 की पॉलिटी के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फिनिश हो गया भैया, और पहला चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ में ये हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप अपने नोट्स को भी इतने बढ़िया तरीके से हम इसमें इमेज वगैरह लगा करके आपको देते हैं। तो भाई ये हमारा मोबाइल नंबर है 8755238500, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे सीटेट के कोर्स के साथ जुड़ जाइए। हमारा अभी से सीटेट का एक पेड कोर्स भी है भैया, उस कोर्स के साथ जुड़ जाइए, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे हम पे कॉल करके नोट्स भी ले सकते हैं और कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सीटेट जुलाई के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीटेट या तो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, जो भी होगा नोटिफिकेशन आने पता चल जाएगा। फिलहाल ऐसे आप एकदम से अच्छे से चीजों को पढ़ते रहिए, बस मैं इतना कहूंगा। इंतजार करोगे कि नहीं मैं तो बाद में पढ़ूंगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इतना ही मैं आपसे कह सकता हूं, इंतजार करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है भैया। चलो, और कोई भी नोट्स अगर आप लोग लेना चाह रहे हो, जैसे अमन बरार करें, एस्टेट के लिए भी बेनिफिट होगा, और नोट्स बिल्कुल है भैया, बी एस्टेट के लिए भी, DWSGT PhD सभी एग्जाम के नोट्स अवेलेबल हैं, कॉल कर लेना बस इस नंबर पे, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार फीडबैक जरूर देना, कमेंट जरूर करना।